गौशाला ओपी क्षेत्र अंतर्गत गौशाला बाजार में लगभग 20 से 25 दिनों से बंद पड़े एटीएम को सातिर चोरों ने अपना टारगेट बनाया, जहां चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले भागे। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी चोरों ने गौशाला बाजार के झनकार मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गौशाला बाजार में पुलिस से बेखौफ बदमाश एटीएम मशीन अपने साथ उखाड़ कर ले गए, जबकि घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर गौशाला ओपी स्थित है, लेकिन पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लगी। घटना की जानकारी पुलिस और बैंक को तब हुई जब बैंक कर्मी सोमवार की शाम लगभग 5 बजे एटीएम में पैसे डालने के लिए पहुंचे थे। हालांकि सूचना मिलते ही गौशाला पुलिस एवं सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। डीएसपी अभिषेक कुमार ने कहा, फिलहाल हर पहलुओं के जांच के लिए टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम पूरे बारीकी से जांच कर रही है। जांच के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि एटीएम में कितना कैश मौजूद था। वहीं पुलिस विभाग और सिंदरी वासियों को जब घटना की जानकारी लगी तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। धनबाद जिले में हजारों एटीएम लगे हैं, जिनमें से अधिकतर एटीएम मशीन ऐसे हैं जहां पर ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। इससे पहले भी एटीएम मशीनों से कई बार कैश लूटने की वारदात हो चुकी है, लेकिन फिर भी धनबाद जिले के कई एटीएम मशीन अब भी बिना सिक्योरिटी गार्ड के वीरान पड़े हैं और आवारा जानवरों का घर बना पड़ा है। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से अधिकांश बिना सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम बैंक ऑफ इंडिया के ही होते हैं। ये गौशाला ओपी क्षेत्र के अंतर्गत बीआईटी के सामने, बीआईटी गेट के सामने बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था, जिसमें एटीएम को ही अपराधियों के द्वारा निकाल के ले गया था। ये कितने क्या बंद पड़ी थी क्या सर? हाँ, जैसा कि मतलब अभी जांच के क्रम में यह बात सामने आई है कि एक जनवरी से ये एटीएम बंद था। कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से ये बंद था और लगातार शटर गिरा हुआ था और इस बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या इसमें अमाउंट भी कुछ उठा? अमाउंट अभी क्लियर नहीं हुआ, ये जांच का विषय है, अभी अनुसंधान चल रहा है। बाकी जांच का विषय वो अभी कल तक क्लियर हो जाएगा कि कौन गया। कोई और भी टीम आई जाँच के लिए सर? हाँ, जाँच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, साथ में हमारे अगल बगल के जो थाने हैं उनके सारे लोग टीम काम कर रहे हैं। थैंक यू।